इस वक्त की बड़ी जानकारी पर गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें गुरुग्राम में 60 वारदातों में शामिल 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी कामयाबी, जहां पर गैंगस्टर तोता के 6 गुर्गे पुलिस ने गिरफ्तार किए। देखिए ताबड़तोड़ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही थी, जहां पर डकैती फिरौती लूट समेत 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। व्यापारियों और कारोबारियों को निशाना लगातार ये बदमाश बना रहे थे, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को धर दबोचा। बदमाशों के पास से 2 पिस्टल भी बरामद की गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की गुरुग्राम में देखने को मिली, जहां पर 60 वारदातों में शामिल 6 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। बड़ी गिरफ्तारी, जहां पर गैंगस्टर तोता के 6 गुर्गे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पूछताछ इनसे जारी है। डकैती फिरौती लूट समेत 7 से ज्यादा मामले दर्ज इनके खिलाफ। इन सब के साथ व्यापारियों और कारोबारियों को भी लगातार ये लोग निशाना बना रहे थे, जिससे खासा दहशत का माहौल भी बना हुआ था। बदमाशों से आपको बता दें 2 पिस्टल देसी कट्टा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए। हालांकि पकड़े गए तमाम बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है कि कौन कौन से अन्य लोग जो इनके गिरोह में शामिल हैं, और साथ ही आने वाले समय में कौन कौन से क्षेत्रों में कौन सी बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले थे ये बदमाश। तो ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां जो पुलिस यहां पर हासिल करने में जुटी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कई गंभीर मामले इन पर दर्ज हैं, 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं इन तमाम बदमाशों पर। लंबे समय से व्यापारियों और कारोबारियों को निशाना बनाते आ रहे थे। कई बार शिकायत पुलिस को की गई, और यही वजह है कि लंबे समय से पुलिस इनकी तलाशी में जुटी हुई थी। चप्पे चप्पे पर छापेमारी और कार्रवाई देखने को मिल रही थी, और इन सबके बाद इन 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए, 60 से ज्यादा मामलों में संलिप्त 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पिछले काफी समय से पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी, कि जिस तरह से व्यापारियों को और जो पानी सप्लायर थे उनसे लगातार ये डिमांड कर रहे थे, फिरौती मांग रहे थे, उनसे ये धमकी देते थे यदि वो पैसा नहीं देंगे तो उन्हें से जान से मार देंगे। इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए इनकी शिकायत जो शिकायतकर्ता है पुलिस को जब दी गई, तो उसके बाद से लगातार इनकी तलाश की जा रही थी। और यही नहीं, करीब 5 से ज्यादा मामले इन सभी आरोपियों के ऊपर हैं, और पिछले काफी समय से पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी। और फिलहाल जब पुलिस के पास ये शिकायत गई तो उसके बाद से लगातार पुलिस इनको ट्रेस कर रही थी, और आखिरकार 6 आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है। और ये लगातार रंगदारी व्यापारियों से और जो पानी सप्लायर हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर और दूसरी इमारतों में जो पानी सप्लाई करते हैं उनसे ये डिमांड करते थे, और इसी को लेकर पुलिस की टीमें जो गठित की गई थी वो लगातार इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। लेकिन आखिरकार अब पुलिस ने इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार किन किन मामलों में ये और संलिप्त हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो पुलिस के सामने निकल कर आया है करीब आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिनमें संलिप्तता पर इनकी पाई गई थी, और उसी के बाद से अब पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।